शीट नंबर 46 में कितने लोगों को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3, 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3. एज्यूमिंग द होल वेरिएशन ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी विद इट्स पोजिशन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज ड्यू टू इट्स रोटेशन. फाइंड द डिफरेंस इन वेट 5 kg एज मेजर्ड एट द इक्वेटर एंड एट द पोल्स. वो क्या कह रहा है कि क्या एज्यूम करना है? होल वेरिएशन ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी विद इट्स पोजिशन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज ड्यू टू इट्स रोटेशन. मतलब इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं? इसके अंदर वो कह रहे हैं कि आप अर्थ घूम रही है और रोटेशन का अफेक्ट आपको कंसिडर करना है ड्यू टू रोटेशन. अर्थ घूम रही है और इसमें कहाँ से कहाँ जाना है? इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाना है. हमने लास्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन शायद किया था, मिलता जुलता हमने इक्वेशन से इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाना है. बस ये बता दो इक्वेटर के ऊपर वैल्यू क्या होती है जी की? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर जीरो. और पोल्स के ऊपर क्या होती है? सिर्फ जी. पोल्स के ऊपर बड़ी होती है, इक्वेटर के ऊपर छोटी होती है. तो आपको चेंज निकालना है. चेंज का मतलब पोल्स में से इक्वेटर की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? माइनस. तो जी में से जी माइनस जी इंटू जी में से जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर क्या करना पड़ेगा? माइनस, जो कि सॉल्व करके क्या आएगा? आर ओमेगा स्क्वायर. आर रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है, ओमेगा 2π/T होता है. रेडियस आपको पता है, ओमेगा का मतलब अर्थ का 2π/24 इंटू 60 into 60. पुट कर देना, आर पुट कर देना, यहाँ से आंसर आएगा. अच्छा आंसर नहीं आया, हो सकता है कैलकुलेशन के अंदर मैं क्या इसे ग्राम फोर्स में निकाला है. मैंने न्यूटन में निकालूंगा. हाँ मतलब मैं इसमें क्या निकाला, मैंने जी डैश चेंज इन जी निकाल लिया, उसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो चेंज इन वेट आ गया. हमें चेंज इन वेट निकालना है तो उसने जी से डिवाइड कर दिया ताकि केजी फोर्स आ जाए. वो तुम देख लेना, मेरा आंसर न्यूटन में आएगा, इसका केजीएफ में आएगा क्योंकि जी का चक्कर नहीं डाल रहा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी टाइम फास्टर देन इट्स प्रेजेंट स्पीड अर्थ शुड रोटेट. अर्थ को कितनी तेज घूमना चाहिए, अब की स्पीड से तेज घूमना चाहिए वो कह रहे हैं, ताकि एपरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इक्वेटर बिकम जीरो. अब इक्वेटर के ऊपर जी की जो वैल्यू है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर जीरो, और वो कह रहे कि जी की वैल्यू इक्वेटर पे क्या हो जाए? जीरो. तो अगर जीरो होगी तो ये इक्वल हो जाएंगे और ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ जी बाई आर. तो ये ओमेगा आ जाएगा. तो अगर इक्वेटर के ऊपर जी जीरो हो गया तो ओमेगा अर्थ की रोटेशन ऐसे रहेगी. और वैसे अर्थ की इक्वेशन होती क्या है? ओमेगा डैश क्या होता है? 2π/24 × 60 × 60. वैसे ये होता है, पर अब ये हो गया. तुम जी और आर की वैल्यू को पुट कर लेना, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा. आपको क्या निकालना है? आपको डेल्टा ओमेगा निकालना है. तो ओमेगा में से ओमेगा डैश को माइनस करके आंसर आ जाएगा. पॉइंट समझ में आ रहा है कि चेंज इन वैल्यू ऑफ ओमेगा निकालना है. उसने ये बोला कि ओमेगा की वैल्यू कितनी चेंज हो, रोटेशन की स्पीड कितनी चेंज हो. तो रोटेशन की स्पीड कैसे चेंज हो, इनका डिफरेंस निकाल लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा. मेथड क्लियर है यहाँ तक कि कैसे इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है? कोई डाउट इसमें? ठीक, इस शीट में इतना ही है. ठीक, ऑब्जेक्टिव के अंदर चलते हैं अब इसमें. ये रहा 44 नंबर ऑब्जेक्टिव शीट दी थी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में डाउट.